महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब के नाम पर कोहराम मचा हुआ है। तीन नाबालिग लड़कों ने औरंगजेब पर रील बनाई, सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया, बवाल बढ़ा, पुलिस ने लाठियां भांजी। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि पुलिस ने नाबालिगों के पोस्ट पर जो FIR दर्ज की है उसमें क्या लिखा है। FIR में बताया गया है कि नाबालिगों ने क्या क्या किया। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कैसे औरंगजेब को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। आज हम इसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है। This is a failure of the government in power. जगह कोल्हापुर का छत्रपति शिवाजी महाराज चौक। वक्त सुबह के 10 बजे। देखते ही देखते पूरे इलाके में औरंगजेब के खिलाफ हिंदू संगठनों का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हालात बेकाबू होते देखकर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ा गया, लाठी चार्ज की भी नौबत आ गई। पूरा विवाद कल औरंगजेब पर तीन नाबालिग लड़कों के व्हाट्सएप स्टेटस से शुरू हुआ था। व्हाट्सएप स्टेटस वायरल होने के बाद दो समुदायों में तनाव हो गया, पथराव की भी घटना हुई। हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था। कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर सुबह 10 बजे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जमा हुए। फिर आरोप है कि भीड़ में कुछ लोगों ने नारेबाजी करते हुए कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की कोशिश की। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठी चार्ज कर दी। आज उन्होंने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और वो एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। उनसे भी बात करने के बाद उनका आंदोलन जब खत्म हुआ और लोग वापस जाने लगे, वापस कल की तरह ही कुछ मिस्क्रिएंट्स ने स्टोन पेंटिंग की है, कुछ जो डेली वेजर्स है जो शॉप लगाते हैं रास्ते पे, उनकी गाड़ियों की नुकसान करा है उन्होंने। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांति की अपील भी की और उपद्रवियों को चेतावनी भी दी। उप मुख्यमंत्री फडणवीस को लगता है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की औलादे पैदा हो गई। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है। जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। दूसरी ओर विपक्ष कोल्हापुर की घटना को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। उद्धव गुट इसे महाराष्ट्र में तनाव फैलाने की साजिश बता रहा है। तो सबसे बड़ा हमला शरद पवार ने किया, कहा सत्ता पक्ष ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। ये विरोधी पक्ष का नहीं है, नागरिकों का इश्यू। ये विरोधी पक्ष का इश्यू है ही नहीं। दिस इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। क्योंकि जब ऐसे होता है तो वो विरोधी पक्ष का काम नहीं होता देश शांत रखना। सत्ते में जो होता है, जो होम मिनिस्ट्री में बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। एंड पीस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। समझो किसी का होस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए जो गवर्नेंस में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? इस
ग्राउंड रिपोर्ट से आप समझ जाएंगे कि किस पैमाने पर आज कोल्हापुर में ये संग्राम हुआ है। हाउसिंग रोड जो इलाका है, यहाँ पर कहीं व्हीकल जो खड़े थे, कुछ जा रहे थे, इनको निशाना कार्यकर्ताओं ने लगाया है, पत्थरबाजी करके तोड़फोड़ की है। महाराष्ट्र में कोई इस तरह से जातीय तनाव होना नहीं चाहिए, और महाराष्ट्र में जो शांति है, आज महाराष्ट्र शांति करके जाना जाता है, उसको अगर कोई किस तरह से अगर उसको उसका नाम खराब कर रहा है महाराष्ट्र का, तो ये ऐसे लोगों को चुन चुन के गिनना चाहिए पोलिस ने, और उनको सजा देनी चाहिए। महाराजांच्या अस्मितेसाठी आणि हिंदू समाजाच्या संरक्षणासाठी आम्हाला उद्या तलवार पण हातात घ्यायला लागली तर घ्यायला आम्ही तयार। औरंगजेब पर बवाल पुराना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता अक्सर औरंगजेब पर फिदा दिखते हैं। पहले 14 मई 2022 को औरंगजेब की कब्र पर पहुंच गए थे असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। तब फडणवीस ने कहा था कि ये राष्ट्रवादी मुस्लिमों का अपमान है, और संजय राउत ने कहा था ये महाराष्ट्र को चुनौती है। फिर बाद में महाराष्ट्र के अहमदनगर का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां उर्स के कार्यक्रम में AIMIM के जिलाध्यक्ष औरंगजेब के पोस्टर के साथ डांस करते दिख रहे। औरंगजेब की दीवानगी पर यह तीसरा बवाल है, जिसकी वजह से अब कोल्हापुर में कर्फ्यू लग गया है। आज तक ब्यूरो। ये जो बार बार आप लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब बाप हो गए, औरंगजेब की औलादे पैदा हो गई, अब ऐसे में कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता ना। जो भी होगा आपको कानून को तो संभाल कर रखना पड़ेगा ना। इस तरह की स्थिति नहीं बन सकती ना। अरे सर, इन लोगों की क्या गलती है? तस्वीरें दिखाइए, जिनकी दुकानें टूटी, जिनकी गाड़ियां टूटी। पहले से आह्वान किया हुआ था हिंदू संगठनों ने जी, कि हम बंद करेंगे, तो क्यों नहीं आपने वहां पर मुस्तैदी दिखाई? इनकी क्या गलती थी? तस्वीरें दिखाइए, इन दुकान वालों की क्या गलती थी बताइए। पूरी मुस्तैदी दिखाई गई, इसीलिए जो है आपको ध्यान होगा, आजाद मैदान में जब रोहिंग्या के समर्थन में उतरे थे और जितेंद्र आवाड के मुंब्रा से ही लोग बड़े पैमाने पे आए थे। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है जी। हिंदू संगठन के जब जो है बड़े पैमाने पर रोहिंग्या के समर्थन में मुसलमान आए थे, तो किस तरह वहां पर जो है उत्पात मचाया गया और पुलिस मुखदर्शक बनी रही, ये लोग जानते हैं भली भांति। आप जो है औरंग्या के समर्थन में अगर कोई खड़ा होगा तो छत्रपति शिवराय की जो संतानें हैं वो निश्चित तौर पर आक्रोशित होंगी, लेकिन कि हर किसी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि शिवराय के अनुयायियों की सरकार है। यहां औरंग्या का उदात्तीकरण हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए कानून को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। जो औरंगजेब को आगे करके महाराष्ट्र में किसी प्रकार का उपद्रव फैलाने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर सरकार करेगी, इसलिए शिवराय के अनुयायियों से प्रार्थना है कि वो शांति बनाए रखे। ठीक है, ये अच्छा है कि आप शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी जैसे शो खत्म होता है, बल्कि ब्रेक में ही आपको कर लेना चाहिए था, नितेश राणे को फोन घुमाइए। मैं तो कहती हूँ लाइव फोन घुमा दीजिए उनको शो के दौरान, और उनको समझाइए कि जो ये तलवारें उकसा रहे हैं लोगों को, ये सब ठीक बात नहीं। उन्होंने वो सामान्य मराठी मानुष का सामान्य मराठे के मन में जो है जो भाव है उसको प्रकट किया उन्होंने, कि तलवारें किसी को जो है उठाने का आदेश नहीं दिया है। हाँ तो मत बोलिए ना उनको। तलवारें उठाने का मतलब होता है कि आप जो है आप कायरों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहिए, और आज जब शिवराय की अनुयायियों की सरकार है कैसे तो लड़िए, कैसे लड़िए सड़कों पर उत्पात करके। मैं तो कह रही हूँ प्रेम जी, अभी आपने आखिरी लाइन कही ना कि शांति बना के रखे, आप फोन कीजिए नितेश राणे को, समझाइए आजाद मैदान पे जो है फोन पे समझाइए। जो हमारे वीरों का स्मारक होता है जब उसका उसको कलंकित किया जाता है तब उत्पात होता है, ये नहीं होना चाहिए। तत्काल नियंत्रित किया गया जो करना चाहते। मैं तो कह रही हूँ आप नितेश राणे को फोन कीजिए के लिए। जितेंद्र आवाड जो NCP के विधायक है वो पिछले 2 महीनों से कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ महाराष्ट्र में दंगा होने वाला है, उनको कहां से कल्पना होती है? और जिस तरह से संभाजी नगर में औरंग्या के समर्थक खड़े होते हैं, जिस तरह से उर्स में औरंग्या की तस्वीरें MIM के गद्दार लहराते हैं, स्वाभाविक तौर पर छत्रपति शिवराय को मानने वालों को जो है आवेश आएगा। अब दिखाइए वारिस पठान को। वारिस पठान जी, ऐसी क्या दीवानगी है आपकी पार्टी के नेताओं को औरंगजेब को लेकर? औरंगजेब के इतने बड़े फैंस आप लोग क्यों हैं? जरा देखिए अंजना जी, सबसे पहले सिर्फ उकसाने के लिए, सुनिए पूरा सवाल, सांप्रदायिक हिंसा कराने के लिए, सांप्रदायिक
उन्माद फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए इस तरह के इश्यूज को उठाते हैं, क्या जरूरत है? क्यों फैन है, बताइए औरंगजेब के बारे में। नहीं नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो अंजना जी ये है कि मैं आपके माध्यम से तमाम देशवासियों से, खास करके कोल्हापुर के, महाराष्ट्र की जनता से अपील करता हूं कि कोई कायदा कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, सब कायदे कानून का पालन करिए। पुलिस प्रशासन, अच्छा, आपका ये जिलाध्यक्ष जो नाच रहा है ना, ये फोटो लेके उस पर बोलिए, पहले शांति की आपकी अपील समझ गए हम लोग, ये जो आपका ये वाली नहीं, ये वाली, ये जो औरंगजेब का पोस्टर लेके ये डांस कर रहा है ये आदमी, ये क्यों कर रहा है? पैटर्न सा चल रहा है, एक पैटर्न से चल रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, पैटर्न तो चल रहा है, चौकसी कर लेना चाहिए था। मजार डांस कर रहा है औरंगजेब, मजार पे कौन गया था, मजार वाली फोटो दिखाई, एमआईएम का है, कुछ भी हो मुसलमान कुछ करे, एमआईएम का, अच्छा जो औरंगजेब के मजार पे गया था ये कौन है आदमी, आज मुझे बता दीजिए, औरंगजेब के मजार पे रिपोर्ट में वो तस्वीरें हैं, वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, कौन गया था ये, कौन है? मैं गया था औरंगजेब की जो मजार है, मैं गया था, किसका नाम छिपा रहे हैं वारिस पठान, आप मोदी के अंडर में आता है, घबरा रहे हैं, एक सर्कुलर आप निकाल दो इसका नाम लेने से घबरा रहे हैं, नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक आप उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे तो जाएंगे वहां पर, आप प्रोटेक्ट कर दो, अनप्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कर दो, आप उसको डिक्लेयर कर दो कि आज के बाद यहाँ कोई नहीं जाएगा, तो एएसआई केस पे नहीं जाएंगे, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मगर यहाँ पर आप वायलेंस को समर्थन तो नहीं कर सकते ना, मैं तो वायलेंस का कंडेमनेशन कर रहा हूँ, क्या ये आपको नहीं लगता जना जी, बीजेपी का टोटल फेलियर हो गया है, क्या ये इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर नहीं है? 3-4 महीने से बोल रहा हूं मैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे तख्ते आ चुके हैं जो ये हिंदू महासभा के नाम के ऊपर जलसे पे जलसे करते जा रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये जिहाद, उसके नाम पे दब भड़काऊ भाषण देते जा रहे हैं, उनके खिलाफ FIR तक दर्ज हो गई कि इनको परमिशन मत दो, मगर परमिशन दी जा रही है, भड़काते वो है, इल्जाम हम पे लगाते, आज किसका फेलियर हुआ चलिए बताइए, हिंदू संगठन का वहां पे अगर पूछा है, वहां पर मैं चिल्लाने के मूड में नहीं हूँ वारिस पठान, तो आपको मेरा सवाल सुनना पड़ेगा, मुझे पता है आपको आवाज मेरी आ रही होगी, लगातार बोलिएगा, सवाल नहीं सुनिएगा तो गलत बात है, एक तो आपने नाम नहीं बताया, अपने बारे में तो कह दिया, मजार पे कौन है ये शख्स जो गुलाब की पंखुड़ियां बिछा रहे हैं, ऐसे कौन है, मुस्कुराइए मत, नाम बताइए, अरे अरे भाई वो गए थे ना, वो कौन गए थे, अकबर ओवैसी थे, अकबरुद्दीन ओवैसी, चलिए मैं सोची थी नाम भूल तो नहीं गए, तो आपने बताया, अच्छा नहीं आप अगला सवाल आपने क्यों नहीं, उसको एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ठीक है मैं पूछूंगी दूसरा सवाल, एएसआई मॉन्यूमेंट औरंगजेब के पीछे दीवानगी की वजह क्या है, मोदी के अंडर में आता है, अरे बीजेपी जब शासन में नहीं थी तब कितनी बार आप लोग गए थे औरंगजेब के मजार पर, मेरा सवाल तो सुनिए, क्यों जा रहे हैं वहां, क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों है औरंगजेब पर ऐसे लिखिए, क्यों इतना पसंद है आपको औरंगजेब, नहीं हिंदुस्तान में बहुत सी मजारे हैं जहां हम जाते हैं, मजारे बुजुर्गों की होती, जाके फातिया पढ़ते, उसमें क्या गुना है, जाते हैं मजारों के अंदर फातिया पढ़ते हैं, अब तो हर बाजार में आता, हम तो ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं, हम माइम दरगाह पे जाते हैं, हाजिरी दरगाह पे जाते हैं, तमाम दरगाहों पे जाते हैं, अकीदा है, कितने लोग जाते हैं दरगाह के ऊपर, फूल चादर चढ़ाते हैं, उसमें क्या गुना है, क्या अगर किसी के मजार पे जाकर फातिया पढ़ लिया गुना है, इनका अकीदा है औरंगजेब पे, सुन लीजिए अब आते क्या, मैं तो किसी अकीदा है औरंगजेब नहीं बोलता हूँ, अकीदे की बात है, अकीदा अगर मेरा है औरंगजेब जाकर फातिया पढ़ लूं खड़े रहकर यहाँ से या दरगाह पे जाके, तो क्या अकीदा हो, आप अकीदा का मतलब है कि आप लोगों की औलाद है, इसलिए आप कह रहे हैं औरंगजेब बीच में, अरे सबसे पहले नहीं अकीदा नहीं, सुनिए अब बात पे मैं आ रहा हूँ, नहीं अंजना जी ये बात बड़ी गंभीर है, ये गंभीर विषय है, आज बीजेपी के एक नेता ने खुल्लम खुल्ला ये बोल दिया है, प्रेम शुक्ला जी धीरे बीच में एक की आवाज आएगी, ऐसा नहीं चलेगा ना, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बताना तो पड़ेगा, आज इतना ये थोड़ा ना आप औरंगजेब के मजार पे ऐसे थोड़ी गए थे कि हर बुजुर्ग के मजार पे जाते हैं इसलिए गए थे, आपने खुद ही कहा ना अकीदा, वही मैं एग्जैक्ट मीनिंग खोज रही थी, मतलब विश्वास है जिसमें श्रद्धा है, अरे तो क्यों है, हम लोग वहां पांच लाइन का ऐसे लिख दीजिए ना जल्दी से, आठ बुजुर्गों की मजारे हैं वहां पर, सुनिए आठ बुजुर्गों की मजार है कुलदाबाद औरंगाबाद उस तरफ, हम तमाम मजारों पे गए थे, क्या गलती है, और ये तो एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मुझे लग रहा है आपको औरंगजेब पर बोलने में शर्मिंदगी हो रही है, क्यों चाह रही है ध्यान अंजना जी, औरंगजेब पर बोलने में शर्मिंदगी हो रही है, मेन मुद्दा सुनिए क्या है, आज शर्मिंदगी हो रही है, शर्मिंदगी नहीं है, दबाव में आ गए, तो बीजेपी को आना चाहिए कि उनका एक नेता ये बोल रहा है बैठकर
कि अब हमको तलवार उठानी पड़ेगी, और उनका प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के बोल रहा है कि हाँ आप तलवारें उठाएंगे और खदेड़ देंगे सबको। अरे क्यों तलवार उठाएंगे, पुलिस प्रशासन घर पे भेज दो ना सबको, पुलिस को घर पे भेज दो, होम मिनिस्टर को घर पे भेज दो, सीएम को घर पे भेज दो, तलवार उठाएंगे। और आप अंजना जी खंडन करिए इस बात का, जिसने इस तरह की अल्फाज का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। वायलेंस का खंडन तो दूर की रही बात, आप वो तो करते नहीं है, जिसने इस तरफ के अल्फाज इस्तेमाल किए राणे ने उसके खिलाफ तो आपके रूप में एक शब्द नहीं निकलता। बोलिए प्रेम शुक्ला के आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अगर ये अल्फाज वाली सरकार होता तो क्या होता। आपने औरंगजेब को अकीदा है तो ऐसे अकीदे वालों को कूटना है, अब तक मेरे पर एफआईआर का जेल का दायित्व है, फिर तो इसके खिलाफ कब तलवार उठाएंगे, इसके खिलाफ कब एक्शन लेंगे, दोनों को बताना पड़ेगा ना। जिसने प्रेम जी रुक जाइए, प्रेम जी मैं आ रही हूं, खिलाफ तो छत्रपति शिवराय ने तलवार उठाई ही थी और उसके जो है उसको गाड़ दिया, औरंगा को गाड़ा है। लेकिन आनंद दुबे जी, पिछली बार संजय राउत साहब ने ललकारा था कि महाराष्ट्र को चुनौती दी है, औरंगजेब की मजार पर गए, अब देखिए नौबत कहां पर पहुंच गई, किसके साथ खड़े हैं। वैसे आपके लिए तो बहुत ही इधर कुआं इधर खाई, अगर ये जो लोग विरोध कर रहे थे उनके साथ खड़े होंगे तो शरद पवार कह रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार ही प्रमोट करती है, ये सब किधर खड़े हैं। अंजना जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के, आप कह लीजिए शिष्य कह लीजिए, उनके अनुयायी कह लीजिए, उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। तो औरंगजेब हमारी निगाह में एक आताताई है, एक आक्रांता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो कभी भी हमारे देश का शुभचिंतक हो नहीं सकता। तो उसके उसके जो भी समर्थन करते हैं वो भी हमारे लिए देशद्रोही होते हैं। दो दिन पहले अहमदनगर में, दो दिन बाद कोल्हापुर में, यह पूरी तरह राज्य सरकार की विफलता है, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री की विफलता है। आप देखिए कि 11 महीने से ज्यादा सरकार को हो गया, ये इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, ये केवल टेंडर के घोटालों में लगे हैं, भ्रष्टाचार में लगे हैं। आप देखिए कि सुधीर मुनगंटीवार बीजेपी के बड़े नेता और कद्दावर मंत्री हैं, उनके विभाग में घोटाला हो जाता है तब जब वो विदेश यात्रा में रहते हैं, और पूरे जितने भी तबादली जितने भी बदली हुई थी उसको निरस्त करना पड़ता है। तो यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमारे राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी हमारी बहन महिला मंत्री नहीं है। और ये बात करते हैं नैतिकता की, इन्होंने पूरी तरह से महाराष्ट्र को राम भरोसे छोड़ दिया है, ये बिल्कुल काम करने वाले लोग नहीं है। अब इनकी विफलता है कि देखिए आज कोई भी घटना घटती है, अगर वहां पर शांतिपूर्वक आंदोलन भी हिंदू संगठन के लोग करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज इनको करना पड़ता है, ये बड़े शर्म की बात है। आपके फुटेज में हम देख रहे थे कि वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, अब वो कौन उपद्रवी उसमें घुस गए, ये तो फेलियर इंटेलिजेंस का है, इंटेलिजेंस को पकड़ना चाहिए उनको, ना कि वो हिंदू भाई जो वहां शांति पता भी चल गया। आपको पता भी चल गया कि वहां पर जानबूझ के कुछ लोग गए थे। विनोद बंसल जी मैं आपके पास आ रही हूं, उससे पहले कोल्हापुर को लेकर सियासत तेज हो गई है, खबर आ रही है शिंदे गुट ने संजय राउत पर आरोप लगाया है, और शिंदे गुट ने 6 महीने से संजय राउत दंगों की बात कर रहे हैं, ये संगीन आरोप शिंदे गुट के किरण पावस्कर का बड़ा आरोप, जिसमें वो संजय राउत के बारे में कह रहे हैं कि वो 6 महीने से दंगे की बात कर रहे हैं। राहुल लोंडे साहब जो कि आप प्रवक्ता हैं शिंदे गुट के, शिवसेना के, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये साहब? देखिए जो अभी आनंद दुबे की बात में सुन रहा था, जो आपने सवाल किया क्या, उसका जवाब वो क्या दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे छत्रपति शिवाजी महाराज के एकदम फॉलोअर है, उनके अनुयायी है, लेकिन महाराष्ट्र में जो चल रहा है शिवराज्याभिषेक 2-3 पहले वाल हुआ, लेकिन उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे लंदन में जाके बैठे हैं। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी रहते थे उधर रायगढ़ पे जाते थे, प्रतापगढ़ पे जाते थे, या मुंबई के मातोश्री में बैठ के छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा करते राज्याभिषेक की, लेकिन लंदन में जाके बैठ के उनके प्रवक्ता यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार कैसी फेल हुई है, महिला मंत्रिमंडल नहीं है, ये विषय क्या चल रहा है उनका 11 महीने से यही चल रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे प्रवक्ता किरण पावस्कर ने जो किया, अभी जो प्रेम शुक्ला जी ने बताया कि जितेंद्र आवाज जो मुंब्रा मुस्लिम एरिया है महाराष्ट्र का, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 महीने पहले अभी मेरे मोबाइल में उनका बयान है, मैं प्रिंट आउट आपको बाद में भेज सकता हूँ, 2 महीने पहले यही जितेंद्र रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि आने वाला साल ये धर्म के ऊपर महाराष्ट्र में दंगे हो सकते हैं। संजय राउत बार बार ऐसा बोलते कि महाराष्ट्र में अशांति है, महाराष्ट्र में अशांति फैलने वाली है। मतलब मुझे, मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री
उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ, उनसे विनती करना चाहता हूँ कि संजय राउत और जितेंद्र आवाड को बुलाइए और उनको पूछिए कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो है तो आपको छह महीने पहले सुने सुने मेरा पहला अंजना जी प्लीज अंजना जी अंजना जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए उद्धव ठाकरे जी अंजना जी मुझे बोलने दीजिए पूरा नियोजित कार्यक्रम लंदन का था लेकिन जिस दिन राज्याभिषेक बोला नियोजित नहीं है दुबे जी छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने वाला है ना चर्च गेट के फोर्ट में माल्यार्पण किए श्रद्धा सुमन अर्पित किए उद्धव ठाकरे साहब पीछे हटने वाले लोग नहीं है हमें दुख तक होता है अगर छत्रपति शिवाजी राजनीति करते हैं अगर संजय राउत और जितेंद्र आवाड पर आपको आपत्ति है उन्हें पकड़कर जेलों में डाल दीजिए आपने अब तक किया क्या है विपक्ष के साथ आपने विपक्ष की आवाज को दबाने के अलावा क्या किया है यदि आपको आपत्ति है आनंद दुबे संजय राउत जितेंद्र आवाड हमको जेलों में बंद कर दीजिए आपके पास सत्ता है शासन है लेकिन आप बच नहीं सकते अगर हम महाराष्ट्र की जनता है हम महाराष्ट्र को प्यार करते हैं तो हम तो चिंता जाहिर करेंगे ना कि जिस प्रकार 11 महीने में आप विफल रहे हैं आज यहाँ कानून व्यवस्था बद से बदतर होते जा रहे हैं तो क्या हम चिंतित न हो और खबर इस वक्त आ रही है औरंगजेब को लेकर बवाल बढ़ रहा है मुंबई में एमएनएस का विरोध प्रदर्शन अब शुरू हो गया है औरंगजेब का पुतला वहां जलाया गया है बनाकर विनोद बंसल जी वो कह रहे हैं कि जो हिंदू संगठन है उनके विरोध में बाहर से लोगों ने घुसकर उत्पात मचाया या फिर जो संगठन के ही लोग थे उन्होंने उत्पात मचाया तो पुलिस पता लगाएगी ना लेकिन ऐसे सड़कों पर ऐसे कोहराम तो नहीं होना चाहिए। देखिए सड़कों पर कोहराम नहीं होना चाहिए लेकिन कोहराम की शुरुआत कहां से करी आप देखिए कौन कर रहा है कोहराम और आप देखिए कि जिस तरह से औरंगजेब के पोस्टर लेकर के और आप बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरोगे और शिवाजी की पुण्य धरा पर आप औरंगजेब को महिमामंडन करके और उसके उसके लिए उसकी औलादों के लिए आप आवाज बुलंद करोगे तो ये शिवाजी की भूमि तो नहीं स्वीकार करेगी। ये जो है ना जिस तरह से आपने आपके टीवी डिबेट में बैठा हुआ भी एक शख्स है आपने अपनी कई बार पूछा कम से कम 10 बार उनसे पूछा आखिरकार ये औरंगजेब है कौन औरंगजेब के बारे में आपके क्या विचार है औरंगजेब आप क्या आप औरंगजेब आपका हीरो है मना कर रहे हैं कि उनकी पार्टी से किसी ने पोस्टर नहीं उठाया है वो मना कर रहे हैं नहीं मैं आपके बात थोड़ा ठीक नहीं सुन पा रहा हूँ मेरी आवाज इको हो रही है रंजना जी बोलिए मैं ठीक करती हूँ मैं कह रहा हूँ कि देखिए कि जो उनकी पार्टी के लोगों ने बार बार औरंगजेब के मजार के बारे में तो चिंता व्यक्त की औरंगजेब की मजार औरंगजेब मजार लेकिन एक बार ये नहीं कहा कि औरंगजेब आतंकवादी था आतंकी था आक्रमणकारी था दुष्ट था और धर्मांतरकारी गैंग का सरगना था और ये वो शख्स था जिसने गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम किया था और उनके उनके अनेक शिष्यों को मारा और आप देखिए कि आज दिल्ली के अंदर शीशगंज गुरुद्वारा उसको देख करके मेरी आत्मा जलती है आप सोचिए कि ये जो स्थितियां हैं और इसके बावजूद किस मुझे बोलते हैं औरंगजेब हमारा हीरो है जिसने हमारे महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया औलादों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हमारा स्पष्ट मत है। रही बात हिंदू संगठनों के प्रदर्शन की देखिए हिंदू संगठन हम तलवार लेके मार डालेंगे सबको और देशवासियों को बीच में नहीं आवाज ऊंची कीजिए इनके आप जैसे औरंगजेब मार रहा था वैसे आप मारने की हिमाकत कर रहे हैं क्या कैसी बात कर रहे हो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला आप उन औरंगजेब की औलादों को कबर फेंक देने का काम कर रहे हैं कैसी बात कर रहे हो आप जब 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 मुंबई के अंदर बड़े मैदान में महिलाओं की इज्जत उतारी जाती है महिला कांस्टेबल के कपड़े फाड़े जाते हैं उस समय आपके लोग चुप रह जाते हैं प्रजा अकादमी क्या कर रही थी आप मुझे बताइए आपके जैसे लोग जो उनको कबर फेंक देते हैं तभी तो वो औरंगजेब की औलादें सड़कों पर उतरती हैं। आखिरकार ये जो औरंगजेब के बारे में जिस तरह से महिमामंडन करने का काम आप लोगों ने किया है ये देश के लिए बड़ी बुरी ट्रेंड है और इसको हिंदू समाज और पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। शेख अलीमुद्दीन असादी जी ठीक है जो है आप उसको शेख अलीमुद्दीन असादी साहब मेरा अगला सवाल आपसे है अंजना जी कि छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र में अगर औरंगजेब को उसका महिमामंडन किया जाएगा उसके लिए ऐसी दीवानगी दिखाई जाएगी तो जाहिर तौर पर लोगों में बहुत गुस्सा आएगा। आपने देखा पार्टी में एक दूसरे के विरोधी हैं लेकिन इस बात पर एक है कि औरंगजेब के खिलाफ है क्या कहेंगे इसके बाद आ रही हूँ राहुल जी रुक जाइए अंजना जी जी अंजना जी पहले ये सुन लीजिए ये देश सारे हिंदुस्तानियों का है ना के शिवाजी का है ना के वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का है। ये सवाल बार बार खड़ा होता है क्या हमारा मुल्क बंटवारा होने लगा है कि जो महाराष्ट्र शिवाजी का हो गया और हरियाणा किसी और का हो गया पंजाब किसी का सिखों का हो गया हिंदुस्तान अखंड है हिंदुस्तान एक है हर हिंदुस्तानी का हिंदुस्तान है जो हिंदुस्तान में जन्म लिया है जिसने उसका हिंदुस्तान है ये किसी व्यक्तिगत तौर पर
किसी का हिंदुस्तान नहीं है। अंजना जी सुन लीजिए, आप आज हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तानियों का है, जिसने ये आज जन्म दिया है, जन्म लिया है, जिसने ये बलिदान दिया है, हिंदुस्तान उसका है ना, कि किसी एक नाम के साथ आप हिंदुस्तान को या महाराष्ट्र को जोड़ेंगे। ठीक है, राज जी, जवाब दीजिए। जिस तरह की चर्चा हो रही है, जिस तरह की धमकियां दी जा रही है जी, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। अब शेख साहब से कानून इसकी इजाजत नहीं देता। देखिए, हिंदुस्तान छत्रपति शिवराय के अनुयायियों का है, हिंदुस्तान महाराणा प्रताप के अनुयायियों का है, बाबर और औरंगजेब के जो भक्त थे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जा चुके हैं, जो शिवराय में, राणा प्रताप में, रानी झांसी बाई में आस्था और श्रद्धा रखते हैं वो भारत में रहते हैं, वो भारत के निवासी हैं। जो बाबर, गोरी, गजनी, तुगलक को अपना जो है पूर्वज मानते थे वो पाकिस्तान जा चुके, वो बांग्लादेश बन चुका। ये भारत जो है ये वीरों की धरती है, ये हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवराय के अनुयायियों की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है और उन्हीं की धरती रहेगी। औरंगजेब की औलादे पाकिस्तान जा चुकी, वो अल्लामा इकबाल के उस कहने पर खड़ी हो गई जिन्होंने कहा था काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने, और आज हिंदुओं की अगर कोई कत्लेआम की कोशिश करेगा तो उसको चढ़कर मारा जाएगा। संवैधानिक रूप से भारत का जो संविधान है वो इतनी शक्ति देता है कि आप आक्रमण करियो और इस तरह के आतंकवादी तत्वों को से निपटा जाए। अरे प्रेम जी, अच्छा है आप धारा प्रवाह अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन कत्लेआम हो जाएगा, कर रहा है कत्लेआम, कत्लेआम करते ही है ना, क्या कश्मीर में कत्लेआम हुआ? डराते कश्मीर में कत्लेआम हुआ नहीं हुआ क्या कश्मीर में कत्लेआम? और बाबरवादी औरंगजेब को मानने वालों ने कत्लेआम किया, जो औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते हैं, जो बाबर को अपना पूर्वज मानते हैं, उन्हीं ने 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम 1947 में किया, ये यथार्थ है। शेख अलीमुद्दीन जी अब आपकी बारी है, एक सेकंड। अगर आप लगातार बोल रहे हैं ना असादी जी, तो आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नीचे कीजिए। असादी जी, लगातार अगर आप बोलेंगे आपकी आवाज नहीं जा रही है। आज तक पे शाउटिंग मैच के लिए नहीं बुलाते हम गेस्ट को, एक वक्त पर एक ही व्यक्ति बोलता है और हम लोग एक ही आदमी का ऑडियो ऊपर करते हैं। तो आपसे जब मैं प्रश्न करूं तब बोलिए, फिर आपका प्रश्न का जब टाइम खत्म हो जाए तो रुक जाइए। अब आपसे मैं प्रश्न कर रही हूं उसका जवाब दीजिए, एक सेकंड। फिर आप लगातार बोल रहे हैं, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है सर, क्यों ऊर्जा इतना बर्बाद कर रहे हैं आप? आराम से बोलिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। अब आपसे प्रश्न सुनिए, वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस देश में हम मुगल आक्रांताओं के तौर पर औरंगजेब को देखते हैं, ऐसे में उसका महिमामंडन जो करेगा उसके खिलाफ लोग यहां पर बोलेंगे ही, इस पर आपका क्या जवाब है? असादी जी सुनिए, जब किलाए मोहल्ला में होली मिलन होता था, हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की बात होती थी औरंगजेब की, जब लोग कहां बैठे हुए थे, जब शक्ति कहां चली गई थी इनके अंदर, दिवाली मिलन होता था, होली मिलन होता था, बसंत होती थी वहां, कहां, और सब मिलकर प्यार मोहब्बत से रहते थे, कितने मंदिरों को जगह दी औरंगजेब ने, इसको हम भूल जाते हैं? अरे हिंदुस्तान में यही, आप आइए दिल्ली में दिखाता हूं मैं आपको, तीन तीन चार चार मंदिर बने हुए जो औरंगजेब ने जगह दिया जिन लोगों को, कुमरा था वो बात गई, उसको खत्म कर देना चाहिए चैप्टर को। वही बात है, जब बात खत्म हो गई है तो फिर उसके पोस्टर लेकर नाचने की या फिर महिमामंडन करने की क्या जरूरत है, जिस पर ये पूरी बहस आपने देखी।